दोस्तों 2020 फिल्मफेयर अवार्ड की हर जगह लोगों के मुंह से या फिर सोशल मीडिया में काफी आलोचना हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो डिजर्विंग मूवी थी उसको ये अवार्ड नहीं दिया गया। खैर, इस बात में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज के KYC के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि फिल्मफेयर अवार्ड की हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहले फिल्मफेयर अवार्ड पाने वाली मूवी कौन सी थी और 1986-87 को फिल्मफेयर अवार्ड नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया बताएंगे आपको। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। यह चैनल आपके लिए ऐसे ही कई नई पुरानी रोचक जानकारियां लेके आते रहता है। हाय, आप देख रहे हैं नो योर क्यूरियोसिटी वीडियोस। फिल्म फेयर अवार्ड बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमरस दुनिया से जुड़े सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड सेरेमनी है या था, पता नहीं। खैर, यह मेगा इवेंट हर साल मुंबई में आयोजित किया जाता था, लेकिन 65वां 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड असम में आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब इसे मुंबई से बाहर कहीं आयोजित किया गया हूँ। जब इस अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत हुई थी तब इसका नाम द क्लेयर्स अवार्ड था। क्यों था? क्योंकि उस समय एक फिल्म क्रिटिक्स थी जिनका नाम क्लेयर मेंडोनका था। कौन थी ये क्लेयर मेंडोनका? तो मैं आपको बता दूं कि क्लेयर मेंडोनका बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर कॉलेज की ग्रेजुएट थी, और सन 1939 में जब फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन बना था तो इसकी वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई थी। इनकी कम उम्र में ही डेथ हो गई थी, और जब उनकी डेथ हुई थी तब वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फिल्म रिव्यू लिख रही थी। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही लार्ज रीडरशिप बेस था, यानी कि उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया पाठकों द्वारा खूब पढ़ा जाता था। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए 1954 में इस अवार्ड सेरेमनी का नाम द क्लेयर रखा गया था। यह अवार्ड सेरेमनी सबसे पहले 21 मार्च 1954 को आयोजित हुआ था, जिसमें केवल 5 कैटेगरीज में ही अवार्ड दिए गए थे, जिनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे। हालांकि अब इन अवार्ड्स की संख्या बढ़कर 31 हो गए हैं। उस समय ये जनता के वोट और ज्यूरी के सदस्यों के वोट दोनों के आधार पर दिए गए थे। उस समय एक प्रसिद्ध फिल्म फेयर मैगजीन के 20,000 पाठकों के वोट इकट्ठे किए गए थे और उसके आधार पर अवार्ड दिए गए थे। सबसे पहले बेस्ट फिल्म अवार्ड दो बीघा जमीन को दी गई थी, जो कि वाकई में बहुत अच्छी मूवी है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे नई मशीनें और फैक्ट्रियां आने से लोगों के रोजगार चले गए। बेस्ट डायरेक्शन बिमल राय को दिया गया था, ये दो बीघा जमीन मूवी के लिए ही दी गई थी। बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार फिल्म दाग के लिए दी गई थी। बेस्ट एक्ट्रेस मीना कुमारी फिल्म बैजू बावरा के लिए दी गई थी। बेस्ट म्यूजिक का खिताब नौशाद को दिया गया था। 2006 में संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक ने सबसे ज़्यादा 11 अवार्ड हासिल किए थे, लेकिन 2020 में फिल्म गली बॉय ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा 13 अवार्ड हासिल किए। अब आते हैं कि 1986 और 1987 में फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं दिया गया था। हालांकि 1985 के विजेताओं की घोषणा 1986 में ही कर दी गई थी और दिसंबर 1986 को इसका आयोजन किया जाना था, पर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, जो कि आज बॉलीवुड है, वो 86 में उस समय के महाराष्ट्र सरकार के साथ उनके कुछ इश्यूज चल रहे थे और वो हड़ताल पर चले गए थे। बाद में 1985 के विजेताओं को 28 जनवरी 1987 को सम्मानित किया गया, तो सुरक्षा कारणों की वजह से फिल्म फेयर को 1986 और 1987 के लिए सम्मानित नहीं किया गया। उसके बाद डायरेक्ट 1988 को आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक को बेस्ट फिल्म सहित 8 पुरस्कार दिए गए थे। 2020 में दिए गए अवार्ड को मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाकर काला कर दीजिए। बी सेफ एंड हैप्पी। धन्यवाद।